अपनी ही धुन में रहना अच्छा है यारूं, दुनिया का क्या पता कब बदल जाए। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। मंदिर तक पहुंचना तो देह की बात है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचना ये तो मन की बात है। स्वाद जिंदगी के लो साहब, किसी के भरोसे के नहीं। प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। सच भी कभी कभी बेबसा नजर आता है। जहां चार झूठे इकट्ठे हो वहां सच्चा हार ही जाता है। दिल के दर्द सुनाए तो किसको सुनाए, जो दिल के करीब हैं वो अनजान बहुत हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। दिल में चाहत का होना जरूरी है, वरना याद तो दुश्मन भी करते हैं। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। किसी को इतना दुख ना दे कि वो ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। बाप का साया अगर ना हो तो बच्चे अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। रहने दो कुछ खामियां भी जनाब, ज्यादा परफेक्ट बनोगे तो जीने में मजा नहीं आएगा। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ व्यवहार बदल लेता है। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। और इससे बुरा क्या कर सकते हैं वो, ज्यादा से ज्यादा हमें रुलाकर हंस सकते हैं वो। हार कर बैठ जाऊं ये सीखा नहीं मैंने, हार को उसके लफ्जों में जवाब देने का हौसला रखता हूं मैं। पन्ने पलटता रह गया मैं इश्क की किताब के, और इतने में वो दौलत की गुलाम हो गई। मतलब ही था इश्क उनका और हम बेमतलब तबाह हो गए। अगर डरना है तो भगवान से डरो, लोगों से नहीं, क्योंकि दौलत शोहरत इंसान को भगवान देते हैं, लोग नहीं। कामयाबी मेहनत करने से हासिल होती है, स्टेटस लगाने से नहीं। धैर्य रखे, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जब वक्त अपना ना रहे तब अपने भी कहां अपने रहते हैं। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। दोस्त अमीर नहीं जमीर वाला होना चाहिए, ये अमीर लोग हर चीज की कीमत लगा देते हैं। हर मुलाकात में हाल पूछने वाले ही मुसीबत में हमें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहे तो अपना नाम ही अच्छा रख ले, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसी की फितरत को आप नहीं बदल सकते, प्याज को आप प्यार से भी काटोगे तो आंसू निकल आएंगे। दुख और मुसीबतों का अगर खात्मा करना हो तो हर हाल में कहो कि तेरा शुक्र है परमात्मा। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ भी बुरा हो जाए तो बुरा नहीं लगता। और ज्यादा पाने की चाहत में
जितना भी है उसका आनंद लेना भूल जाते हैं हम। आरजू तेरी ऐसी रही, इबादत बन गई, जुनून तेरा ऐसा चढ़ा कि आदत बन गई। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपनों को नहीं मारते। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सामने रखता है तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। नियत कितनी भी अच्छी हो दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो भगवान आपको आपकी नियत से जानता है। वक्त सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीरें। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। कुछ भी कर्म करो हमेशा एक बात ध्यान रखो कि परमात्मा ऑनलाइन है। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो पर आपके शब्दों का चयन बता देगा कि आपका क्लास क्या है। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीडी हैं। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ करने का आनंद पूरे जीवन भर रहेगा।